जय हिंद कैडेट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या होता है EPSB कैंप NCC में। EPSB का फुल फॉर्म है एक भारत श्रेष्ठ भारत। NCC में हर साल देश के विभिन्न डायरेक्टरेट्स में EPSB कैंप्स लगते हैं। हमारी कंट्री में टोटल 17 डायरेक्टरेट्स हैं, मतलब जितने भी हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं उनको 17 भागों में बांटा गया है और वो 17 डायरेक्टरेट्स यानी निदेशालय कहलाते हैं। तो लगभग हर डायरेक्टरेट कोई ना कोई EPSB कैंप करता है। तो होता क्या है EPSB कैंप में? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इन कैंप्स का एम होता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले कैडेट्स उनको साथ में इकट्ठा किया जाए और उनके अंदर देश प्रेम और एकता की भावना को जागृत किया जाए और उनके बीच में उनके कल्चर का आदान प्रदान हो और वो एक दूसरे को समझें, उनके रीति रिवाज, उनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में जानें और सीखें। तो किसी पर्टिकुलर EPSB कैंप में दो डायरेक्टरेट साथ में आते हैं। उसमें से एक डायरेक्टरेट होता है होस्ट डायरेक्टरेट और दूसरा होता है गेस्ट डायरेक्टरेट। उदाहरण के लिए भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है जिसको NER यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन भी कहते हैं, और दूसरा इसके अलावा अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ राजस्थान एक डायरेक्टरेट है। तो यदि कोई EPSB कैंप इन दो डायरेक्टरेट्स के बीच में है, NER और राजस्थान, तो इसमें एक होस्ट का रोल प्ले करेगा और एक गेस्ट का रोल प्ले करेगा। मान लेते हैं कि NER होस्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो होगा क्या, जो राजस्थान के कैडेट्स हैं वो NER में जाएंगे और NER में ही कैंप लगेगा और उस कैंप में वो बच्चे NER के बच्चों के साथ एक साथ रहेंगे। आमतौर पे इन कैंप्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो 500 होती है। 500 में से जो 400 कैडेट्स हैं वो तो NER के होंगे जो कि होस्ट है, और 100 कैडेट्स होंगे राजस्थान के जो कि गेस्ट है। तो ये 500 कैडेट एक साथ रहते हैं करीब 10 दिन तक, और उन 10 दिनों में वे एक दूसरे के कल्चर के बारे में सीखते हैं, इंटरैक्शन करते हैं। कई किस्म की एक्टिविटीज़ वहाँ होती है जिससे वे एक दूसरे के बारे में जानें और सीखें। जैसे कल्चरल प्रोग्राम होता है, अपना अपना कल्चर वो स्टेज पर दिखाते हैं और उन्हें घुमाया जाता है। तो NER में जो आसपास की जो पर्यटन स्थल हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो सारे दिखाए जाते हैं कैडेट्स को, ताकि जब वो जाएंगे देखेंगे तो एक्सप्लोर करेंगे, वापस जाके फिर अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि भाई हमने ये सीखा, ये देखा। तो खूब घूमना फिरना इसमें होता है, बहुत इन्जॉयमेंट होता है। इसके अलावा बहुत से कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन और रंगोली कॉम्पिटिशन और स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन, कई किस्म के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैंप है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, बहुत वैल्यू है इस कैंप की। अगर आपने एक EPSB कैंप कर लिया तो आप NCC के बी ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है इन कैंप्स में? तो इनकी वैकेंसीज जब निकलती हैं तो डायरेक्टरेट को इन्फॉर्म किया जाता है, डायरेक्टरेट ग्रुप हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करता है, ग्रुप हेडक्वार्टर उन वैकेंसीज को अपने अंदर की यूनिट्स में बांटता है। तो अब आप किस यूनिट के कैडेट हैं, क्या आपकी यूनिट को कुछ वैकेंसीज अलॉट हुई हैं EPSB कैंप के अंतर्गत? यदि हुई हैं तो आप जो है जा सकते हैं, उसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने ANO के थ्रू कमांडिंग ऑफिसर को। आमतौर पर लगभग हर यूनिट को साल में कुछ EPSB की वैकेंसीज मिलती ही मिलती हैं। नाउ आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से EPSB कैंप शेड्यूल्ड हैं करंट ट्रेनिंग ईयर में? उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, उस वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे साल के जितने भी अभी पेंडिंग EPSB कैंप्स हैं उनका कैलेंडर आ जाएगा। तो ये थी जानकारी NCC के EPSB कैंप के बारे में। अगर अभी कोई क्वेरी आपके मन में है तो आप उससे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में लिखकर। जय हिंद।